Hi friends, this is Mohammad Sharif. I am from Normal Academy. I am your English language tutor. और आज हम हमारे English text का lesson number 2 study करने वाले हैं. And the title of this lesson is Lost Spring. And the author of this lesson is Anis Jung. She is very famous author and she has written so many books and she has got many awards also. Guys, एक चीज को ध्यान रखना कि किसी भी lesson को if you are studying उसके ऑथर के बारे में उसका नाम एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए. एंड इन दिस लेसन अनीस जंग हैज रेज्ड वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. फर्स्ट वन इज अबाउट चाइल्ड लेबर एंड सेकंड वन इज द ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेसेस, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को किस तरह से कम उम्र में ही मजदूरी करनी पड़ती है और वो अपने अंदर के टैलेंट को सामने. गाइज, ऑथर ने इस लेसन को खुद दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट का टाइटल उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. और इस टॉपिक को देने का एक रीज़न है कि वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर रेक पिकर्स के बारे में बात की. रेक पिकर्स जनरली वो होते हैं जो कचरे के ढेर में से कुछ ना कुछ चीज़ों को जमा करके और उनको फाइनली बेच के कुछ पैसे कमाते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं. तो यहाँ पे एक फर्स्ट पार्ट का एक समराइज करके आपको इजी करने के लिए इस वीडियो में ये आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे. मेनली इस जो टॉपिक का मेन कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब आलम. साहिब आलम का मीनिंग होगा, लिटरली मीनिंग उसका होगा द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन ऑथर ने कुछ इस तरह से इसको आयरोनिकली बताया है कि जिसके नाम का मीनिंग ऑथर यूनिवर्स का लॉर्ड हो लेकिन वो एक रैग पिकर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है. स्टोरी कुछ इस तरह से है के साहिब जो है वो अपनी फैमिली के साथ में शिफ्ट हुआ है ढाका से, ढाका जो कि बांग्लादेश में है, और वहाँ पे किसी तूफान की वजह से उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा. और शिफ्ट होने के बाद में दे आर लिविंग इन एन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली जो एक बहुत बड़ा शहर है उसके बाहर के हिस्सों में जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ में रह रहा है. और वो ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजीज हैं जो अपने झुग्गी झोपड़ियां बना करके अपने सर्वाइवल के लिए एक शहर के बाहर के इलाके में रह रहे हैं. एक ऐसा एरिया है शहर के बाहर का जहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती है, ना वहाँ पे सही से पानी का कोई फैसिलिटी है, ना गटर की कोई फैसिलिटी होगी. स्टिल दिस पीपल आर लिविंग देयर ओनली फॉर देयर सर्वाइवल. और ऑथर ने यहाँ पे बहुत एक आयरोनिकल बात कही है कि दे आर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. ऐसा इन्होंने क्यों कहा है ये हम आगे जिस तरह से लेसन में बढ़ेंगे हमें वो क्लियरिटी आती जाएगी. यहाँ पे ऑथर ने ये बताया कि वहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज प्लस स्कूल्स भी नहीं है. ऑथर ने कुछ बच्चों को वहाँ पे ऑब्जर्व किया जिसमें से साहिब भी है. उन्होंने सडनली एक दिन उससे पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. तो साहिब ने उन्होंने जवाब दिया, मुझे दूसरा कुछ काम है ही नहीं. उन्होंने पूछा ऑथर ने सामने से कि क्या आप स्कूल जाते हो. तो साहिब ने जवाब दिया कि हाँ, अगर स्कूल बनेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा. अब यहाँ पे ऑथर सडनली उससे मजाक मस्ती में ऐसा कहते हैं कि अगर मैं स्कूल बना दूँ तो क्या तुम स्कूल ज्वाइन करोगे. तो साहिब एक बचपने में कह देता है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा. ऑथर को सडनली ये सारी बातें वो भूल गई क्योंकि उन्होंने ये उनको मजाक में बोला था. लेकिन साहिब उनसे कुछ दिनों के बाद आके पूछता है कि क्या जो आप स्कूल बनाने वाले थे वो बन गई है. तब ऑथर को ये फील होता है कि शायद उन्होंने गलती से एक बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट किया है एक झूठा प्रॉमिस करके. आगे वो ये बताना चाहती हैं कि किस तरह से ये बच्चे कचरों के ढेर में नंगे पैर इसी तरह से घूमते हैं. अचानक एक दिन ऑथर उनसे ये पूछती है कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते. तो हर बच्चा अपनी अपनी तरफ से कुछ रीज़न देता है. कोई ये कहता है कि मेरी मम्मी ने तो उसको इतनी ऊँची शेल्फ पर रखा है, वो कभी उसको नीचे उतारती नहीं, और अगर वो किसी दिन उतार भी देगी तो शायद मैं ना पहनूं. कोई ये कहता है कि हमारी परंपरा है नंगे पैर घूमना. ऑथर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात को पॉइंट किया है कि शायद ये बच्चे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे. आगे वो ये बताती हैं कि इतनी पैथेटिक लिविंग कंडीशंस के बावजूद भी, सीमापुरी नाम का जो इलाका है वहाँ इतनी बुरी हालत होने के बाद भी 10,000 से ज़्यादा रेफ्यूजीज वहाँ पर रह रहे हैं. उनके ये रहने का सबसे बड़ा रीज़न कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वाइवल करना था. उनके लिए सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और कचरे के ढेर में भी वो अपने लिए कुछ ना कुछ सर्वाइवल की चीज़ें ढूंढ लेते थे. और उनके लिए वो किसी सोने से कम नहीं था क्योंकि उन्हीं के वर्ड्स में सर्वाइवल वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन एन आइडेंटिटी. वहाँ पर रहने से उन्हें कुछ ना कुछ राशन कार्ड्स बन गए थे किसी के,
या किसी को कुछ खाना मिल जाता था, इसी पर्पज से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे। और रेक पिकिंग जो ये काम कर रहे हैं, जो कि उनके लिए उनके सर्वाइवल का एक जरिया है, उसके भी मीनिंग्स अलग अलग थे। बच्चों के लिए वो किसी एक सरप्राइज से कम नहीं था, फॉर देम इट वॉज वंडर रैप्ड इन अ वंडर। और बड़ों के लिए उनके सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे साहेब को अचानक से किसी दिन कचरे में से कोई टेनिस के शूज मिल जाते हैं, जिसको पहना हुआ देख के ऑथर उनको कुछ सवाल करती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भले ये मेरे शूज फटे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। आगे जाके कुछ दिनों के बाद में ऑथर का ये कहना है कि साहिब को एक दिन किसी चाय की दुकान पे वो देखते हैं, और वहाँ पे वो एक टी बॉय की तरह पे जॉब कर रहा है। ये देख करके साहिब को इस तरह से काम करता हुआ देख करके ऑथर को कुछ मन में कुछ ख्याल आते हैं। अब वो अपनी तरफ से ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे साहिब को कुछ जॉब मिली है, जिसके लिए ही विल बी पेड 800 रुपीज़ अ मंथ, और वहाँ उसे खाना भी मिलेगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहे, उसे अब जो भी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। जो उसका मालिक उसे काम बताएगा वो उसे करने पड़ेंगे। जिस तरह से वो बेफिक्री से आगे कहीं भी मतलब जाता रहता था, घूमता रहता था, वो अब उस काम को वो नहीं कर पाएगा। और साथ साथ में एक पॉइंट ये भी उन्होंने दिया है कि उसका जो स्टील का कैनिस्टर है जिसमें वो चाय सर्व कर रहा है लोगों को, वो शायद उसे उसके प्लास्टिक के कचरे के बैग से ज़्यादा भारी लगेगा। इस तरह की बातों के साथ में ऑथर ने हमें मतलब कुछ पॉइंट्स के साथ में और कुछ बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बातों के साथ में इस टॉपिक को फिनिश किया है। आई होप आपको ये समझ में आया भी होगा। एंड इसके बाद का जो टॉपिक है वो कुछ ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस पे है, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे।